फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राकेश रमन। मेरा नाम राकेश रमन है। मैं आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे क्योंकि मैं यहाँ सेक्टर 3 जेजे कॉलोनी में एक बच्चों के लिए स्कूल चलाता था। 5 साल मैंने वहाँ पर एक स्कूल चलाया। तो अब कोरोना वायरस के बाद आई एम ट्राइंग टू रीस्टैब्लिश दैट स्कूल थ्रू दिस ऑनलाइन वर्चुअल मीडियम, यानी कि ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं वो लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिकॉज नाउ आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू स्टार्ट दैट फिजिकल स्कूल। अब मैं उस तरह से स्कूल चलाने की पोजिशन में नहीं हूँ बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। कुछ फंड्स भी मेरे पास कम है और कोरोना वायरस भी शायद अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। तो नाउ आई एम ट्राइंग टू रीस्टैब्लिश दिस स्कूल थ्रू दिस ऑनलाइन चैनल्स। तो वो जैसे कई स्कूल जो अभी कोरोना वायरस के दौरान क्लासेस लग रही थी, बच्चे उसको ऑनलाइन अटेंड करते थे, तो वैसे ही मैं उसको रीस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं आप सबको ये एक बार फिर से बताना चाहता हूँ। कुछ जो लोग बच्चे मेरे पास वहाँ पढ़ते थे उनको तो पता है कि मैं कोई स्कूल वाली पढ़ाई या कॉलेज वाली पढ़ाई या यूनिवर्सिटी वाली पढ़ाई नहीं कराता, क्योंकि आपको भी पता है मुझे भी पता है वो पढ़ाई करके किसी को जॉब अच्छी नहीं मिल सकती है। जॉब अच्छी तो क्या मिल ही नहीं सकती है। आपने देखा होगा सड़कों के ऊपर वो ऐसे लोग घूमते रहते हैं और उनको जॉब नहीं मिलती। उनके हाथ में अच्छी अच्छी डिग्रीज होती हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती। तो उस को चेंज करने के लिए मैं अपनी पढ़ाई कराता हूँ जो जॉब ओरिएंटेड हो, यानी कि जो करके देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ए जॉब। यानी कि मैं ये पक्का नहीं कहता कि जॉब मिल जाएगी, इस वक्त तो इंडिया में बहुत बुरा हाल है, जॉब्स का मिल नहीं रही। लेकिन अगर आपने एक चांस लेना है जॉब के लिए तो कम से कम आपकी जो पढ़ाई है और स्किल्स हैं वो तो ठीक होना चाहिए, सो दैट यू शुड बी एबल टू एटलीस्ट कम्पीट इन दिस जॉब मार्केट। तो उसके लिए मैं पढ़ाता हूँ और उससे आपका फिर भी थोड़ा सा चांस है जॉब लेने का। लेकिन ये जो पढ़ाई स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में करवा रहे हैं उससे किसी को जॉब नहीं मिल रही है। लोग बेरोज़गार सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं, धरने लगा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और पुलिस के डंडे खा रहे हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही। तो अब मैं थोड़ा सा आपको आज इस नए वीडियो में, पहले भी मैंने कुछ वीडियोज़ बनाए वो भी आप देख सकते हैं यहाँ यूट्यूब पर पढ़े होंगे, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी पढ़ाई का व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ माय एजुकेशन इज। मैं इस मेरी वाली पढ़ाई का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मैं करना चाहता हूँ। तो मैं जो पढ़ाता हूँ वो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी यानी कि पॉसिबिलिटी टू गेट ए जॉब उसको बढ़ाता है। सीधी सी बात है, क्योंकि मैं मेरी जो पढ़ाई है वो जॉब के साथ सीधे डायरेक्टली लिंक्ड है। जो जॉब इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं उसके साथ मेरी पढ़ाई लिंक्ड है। तो जो लोग एक तो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, दे कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस कोर्स, और जो अपना स्कूल या कॉलेज या ऐसे कुछ 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 कंप्लीट करके सड़कों के ऊपर इधर उधर घूम रहे हैं, मैं उनको भी इन्वाइट करता हूँ। वो बिल्कुल वो अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं ऐसे घूम घूम कर, उनको कहीं जॉब अच्छी मिलेगी नहीं, अगर मिलेगी तो एक्सप्लॉइट किया जाएगा वहाँ पर, तो वो जॉब करने से अच्छा ना ही करे तो अच्छा। इसलिए वो भी ज्वाइन कर सकते हैं जो अपना स्कूल कॉलेज या और यूनिवर्सिटी वगैरह कोई ख़त्म करके इधर उधर घूम रहे हैं, करने को कुछ है नहीं है, कहने को वो कुछ लोगों को धोखा देने के लिए और अपने आप को धोखा देने के लिए वो कहते क्या है, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जी। मीन्स व्हाट एग्जाम, कोई भी आप एग्जाम कर लो तो नौकरी नहीं है, नौकरी है तो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, अपॉइंटमेंट लेटर है तो सैलरी नहीं है, सैलरी नहीं है तो पढ़ाई का फायदा क्या। ये आपने इधर इधर उधर देखा होगा। तो अपने आप को भी धोखे में ना रखिए, अपने पेरेंट्स को भी धोखे में ना रखिए। और ये जो है मैं आपको बता सकता हूँ, मजबूर तो कर नहीं सकता, बाकी आपकी मर्जी है, करना करिए, नहीं करना ना कीजिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पढ़ाई का मतलब क्या है जो मैं पढ़ाता हूँ। तो मैं एक इसको कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन फ्रेमवर्क का नाम दिया था जो मैं स्कूल में पढ़ाता था। वैसे बेस्ट तो वही है कि स्कूल में पढ़ाया जाए, अब ऑनलाइन में पूरी पढ़ाई नहीं होती। मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस ऑनलाइन काइंड ऑफ मीडियम।
लेकिन मेरे पास अभी रिसोर्सेज नहीं है टू सेटअप ए गुड फिजिकल स्कूल, इसलिए मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ। तो वहाँ तो मैं 5 सब्जेक्ट पढ़ाता था, जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में बताया, यहाँ इंटरनेट पर भी पढ़ा जो जो मैं पढ़ाता हूँ। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ ऑनलाइन में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। पहले मैं 5 सब्जेक्ट्स पढ़ाता था, अब 2 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। और थोड़ा बहुत जो है ओरिएंटेशन टेक्नोलॉजी की दूंगा, यानी कि कंप्यूटर को जो जो जरूरी चीज़ें होती हैं वो थोड़ा सा बताऊंगा। 2 सब्जेक्ट्स कौन से हैं? सबसे जरूरी है इंग्लिश। इंग्लिश के 5 एस्पेक्ट्स हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड डिबेटिंग। 5 ये तरीके की इंग्लिश मैं पढ़ाता हूँ। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है दैट इज़ अर्थमेटिक। जो आप ये कोई भी ना कहिए कि ये हमें आता है, तो जब मैं पढ़ाऊँगा तो फिर देखेंगे कि आता है या नहीं आता। तो 2 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे ये, इंग्लिश एंड अर्थमेटिक। तो अब इनकी अब ज़रूरत कहाँ है, इससे नौकरी में कैसे फ़ायदा हो सकता है? तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नौकरियाँ किस कुछ कुछ बताता हूँ कि नौकरियाँ किस किस तरह की अवेलेबल हैं। वैसे तो आप कोई घटिया नौकरी के बारे में ना सोचिए, आप यही सोचिए कि आप 1-2 साल मेहनत करके, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी आप अपना बाकी दिन में जो करना कीजिए, लेकिन गलत काम कोई ना कीजिए, ठीक है? और सड़कों पर घूमिए ना, सड़कों पर घूमना इज द वर्स्ट हैबिट दैट यू कैन हैव। सड़कों पर बिल्कुल ना घूमिए। सड़कों का मतलब मेरा ये नहीं कि आप सड़क के ऊपर ही घूमते हैं, मीन्स ऐसे आवारा इधर उधर कोई भी टाइम पास करने के लिए वो बंद कर दीजिए बिल्कुल। उससे दैट विल फर्दर लीड टू बैड हैबिट्स, तो उससे आपको और गंदी आदतें अगर नहीं पड़ी हैं तो पड़ जाएंगी। तो आप अपने ज़्यादातर घर में रहिए, घर में करने के लिए बहुत कुछ है। जो मैं काम दूंगा उसको आप अपने आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मैं कहता हूँ कि आपको 2 साल में सीखना है, अगर आप मेहनत करेंगे घर में बैठकर, तो यू कैन लर्न इट इन 6 to 8 months ऑल्सो। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश और अर्थमेटिक का क्या यूज़ है। जब मैं अर्थमेटिक कहता हूँ, एक तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो वो पढ़ाऊँगा उसमें, और थोड़ा सा अर्थमेटिक के अंडर ही स्टैट्स, बिजनेस स्टैट्स होते हैं वो पढ़ाऊँगा। ये अर्थमेटिक का पार्ट है। और इंग्लिश पूरी, इंग्लिश यानी कि फ्रॉम द फंडामेंटल्स टू द एडवांस्ड इंग्लिश। तो ये इसका अब फायदा कहाँ हो सकता है, जॉब की मैं किसी को गारंटी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फायदा कहाँ हो सकता है? इस वक्त जो मार्केट में जॉब्स अवेलेबल हैं वो है, फर्स्ट जॉब इज फॉर एग्जाम्पल कॉन्टेंट राइटर्स। कॉन्टेंट राइटर क्या होता है, कोई कंपनी है मान लीजिए, वो मान लीजिए कोई बिस्किट या ब्रेड या ऐसा कोई प्रोडक्ट्स बनाती है जो कंज्यूमर मार्केट में जाता है, तो उस उनको कंटेंट राइटिंग के लिए लोग चाहिए होते हैं, वो मोस्टली इन इंग्लिश। इंग्लिश में बताता हूँ क्यों मैं कह रहा हूँ, मोस्टली इन इंग्लिश, बट इन सम केसेस इट कुड बी इन वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस ऑल्सो, यानी कि हिंदी, पंजाबी, तमिल, उर्दू, ये इसमें भी हो सकता है, बहुत कम हो। ज़्यादातर जो कंटेंट होगा आपका वो इंग्लिश में होगा। तो ये कंटेंट राइटर की जॉब के लिए यू हैव टू लर्न इंग्लिश एंड देन अर्थमेटिक जो मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि उस इंग्लिश के कंटेंट को लिखने के लिए आपको इस अर्थमेटिक की और बिजनेस स्टैट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? तो ये कंटेंट राइटर की जॉब होगी। सेकंड जॉब इज दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट इज इन द कॉन्टैक्ट सेंटर्स, जो कॉल सेंटर जिसको हम कहते हैं, उसमें जॉब अवेलेबल हो सकती है। मतलब कि मैं पक्का नहीं कह सकता, आजकल तो ज़्यादातर लोगों को निकाला जा रहा है, लेकिन आप उसके लिए प्रिपेयर तो होइए, तभी आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, अपने आप को आप उसमें अवेलेबल दिखा पाएंगे। अगर आपको आता ही कुछ नहीं तो फिर तो आप उसमें अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो मैं कम से कम आपको अप्लाई करने की एक अपॉर्चुनिटी इसमें दे दूंगा, और हो सकता है आपकी जॉब लग भी जाए, तो उसमें पैसे भी ठीक मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं। और जो बाकी की आप ऐसे घटिया जॉब करते हैं उसमें आपकी नौकरी भी लग जाएगी, पैसे भी नहीं देंगे, एक्सप्लॉइट भी करेंगे, कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देंगे, कोई इंटरव्यू लेटर नहीं देंगे, और ऐसे ही काम कुछ करवाते रहेंगे, बुलाते रहेंगे, और जो वो काम करवाते हैं दैट इज नॉट फॉर एनी पर्सन हु वॉन्ट्स डिग्निटी इन लाइफ, वो उसको नहीं करना चाहेगा, ठीक है? इज्जतदार बंदा कोई उसको वैसे काम नहीं करना चाहेगा। तो
अब ये एक कंटेंट राइटर, दूसरा कंटेक्ट सेंटर, कंटेंट के बाद कंटेक्ट सेंटर। वहाँ क्या होता है, वो कॉल्स करनी होती है, तो वो आपको मैं बताऊंगा कि वो कॉन्टैक्ट सेंटर किस में जाना है। दो शुड बी एथिकल कॉन्टैक्ट सेंटर्स, ठीक है। कॉन्टैक्ट सेंटर का क्या मतलब होता है, जिन कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचने हैं, वो एक तो आउटबाउंड कॉल्स होती हैं उनको लोगों को बताने के लिए कि वी आर मेकिंग दिस प्रोडक्ट्स एंड यू शुड बाय इट, और दूसरा इनकमिंग के उनको जो प्रोडक्ट्स वो बेचते हैं उसमें किसी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना, तो ये दूसरी तरह की प्रॉब्लम जॉब होगी। तो ये एक दोनों जॉब्स के लिए जो मैं आपको अर्थमेटिक और इंग्लिश कह रहा हूँ जो मैं पढ़ाऊंगा, स्कूलों में नहीं वो पढ़ाई जाती, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर स्कूलों में पढ़ाई जाती होती तो आप कहीं पर नौकरी लगे होते। तो जो मैं पढ़ाऊंगा दैट विल मेक यू एम्प्लॉयबल, दैट विल नॉट, दैट मे नॉट गिव यू एम्प्लॉयमेंट बट दैट विल मेक यू एम्प्लॉयबल, तो आप किसी जगह अप्लाई करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो उसमें अब ये दो तरह की जॉब्स होगी जो मैं मानता हूँ, मैं देखता भी हूँ यहाँ पर अवेलेबल है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इन दो जॉब्स में आपकी जॉब कोई कन्वेंशनल जॉब जो किसी कंपनी वगैरह में ना भी लगे तो व्हाट यू कैन डू, तो उसमें क्या है कि दोनों जॉब्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो कंटेंट राइटिंग की है जॉब, वो आप अपने घर में एक कंप्यूटर ले लीजिए, कंप्यूटर आजकल कोई ज़्यादा महंगा नहीं आता, 10-12 हज़ार रुपये का कंप्यूटर आ जाता है, वो ले लीजिए, साथ में इंटरनेट कनेक्शन ले लीजिए, और देन यू स्टार्ट अप्रोचिंग द कंपनीज एज एन इंडिपेंडेंट कंटेंट राइटर। कंपनीज को अप्रोच कीजिए, इंडिया में भी कीजिए, इंडिया के बाहर भी कीजिए, वहाँ पैसे अच्छे मिलते हैं, इंडिया के बाहर, इंडिया में कम मिलते हैं पैसे। वहाँ अगर आप किसी इतना आप सीख जाते हैं कि यू कैन वर्क फॉर मल्टीनेशनल कंपनी, तो वहाँ आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे कंटेंट के, उनको भी वही जरूरत। जो कंटेंट इंडिया में किसी बिस्किट या ब्रेड बनाने वाली कंपनी को चाहिए, वो जो अमेरिका में बैठी है या यूरोप में बैठी है कंपनी, उनको भी कंटेंट वैसे ही चाहिए। तो अगर उनके लिए आप लिख सकते हैं तो यू विल गेट मोर मनी। तो आप अपने घर में बैठकर उनको अप्रोच करना शुरू कर दीजिए, ईमेल लिखिए, ईमेल लिखनी ज़्यादा लोगों को आती नहीं है, तो वो भी मैं सिखाऊंगा कि ईमेल कैसे लिखनी है। जब आपके पास कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन होगा, आप अपना ईमेल वहां पर बनाकर और अपने कंटेंट को आपने ऑर्गेनाइज कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और फिर आप ऐसे अप्लाई इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी करना शुरू कर दीजिए, और उनको कंटेंट वो देना शुरू कर दीजिए, उनको अपना पोर्टफोलियो बनाइए, उनको दिखाइए कि हम ऐसे लिख सकते हैं, वो भी एक बताऊंगा आपको कहाँ आपने डालना है वो लिखकर। वो फ्री है सारा, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। आपने अपना जीमेल अकाउंट है तो उसमें गूगल ड्राइव के ऊपर भी डाल सकते हैं, या छोटा मोटा एक ब्लॉग भी क्रिएट कर सकते हैं उसके ऊपर आप डालकर, बिकॉज यू हैव टू शो योर वर्क, योर पोर्टफोलियो टू द कंपनीज कि आप ये एक ऐसा काम कर सकते हैं, एंड डू यू वांट टू एम्प्लॉय अस फॉर योर वर्क। तो इस तरह से करके उनको अपने घर में बैठकर भी आप कर सकते हैं, और लोग अच्छे पैसे कमा रहे हैं उससे, तो आप भी इस तरह से ये काम कर सकते हैं। और जो थर्ड जॉब जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ वो है कंपनीज में जो ये होती है ना ई कॉमर्स कंपनीज, ई कॉमर्स कंपनीज में जो कंटेंट मैनेजमेंट, ई कॉमर्स कंपनी, ये मैं आपको वही बता रहा हूँ जहाँ पर आजकल जॉब्स का पोटेंशियल है। मैं कोई आपको गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में कोई जॉब नहीं है ये भूल जाइए, अपने दिमाग में से निकाल दीजिए, कोई एग्जाम, कोई रेलवे, रेलवे ऐसे बैंक वगैरह कुछ ना कीजिए, बैंकों से और रेलवे से निकाला जा रहा है लोगों को। अगर आपको यही नहीं पता तो यू डोंट डिजर्व ए जॉब। तो इसलिए मैं आपको वही बता रहा हूँ जहाँ पोटेंशियल है, जहाँ चांसेस है। तो ये ई कॉमर्स कंपनीज में कंटेंट मैनेजमेंट, एक ई कॉमर्स कंपनीज में काफ़ी तरह का काम होता है, आपने देखा होगा कि एक तो डिलीवरी वगैरह होती है उसकी, और दूसरा कंटेंट मैनेजमेंट, कि जो उनका सामान है उसको वहाँ डालकर उनकी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर, उसके ऊपर लिखना, क्या आपने देखा होगा हाउ टू यूज इट, या प्राइस, या ऐसे उसके फीचर्स, ये सारा लिखना होता है, वो भी कंटेंट राइटिंग की जॉब है। तो यू कैन वर्क देयर ऑल्सो।
तो ये मैं अभी आपको कुछ बता रहा हूँ, और भी हैं काफ़ी जॉब, बट उसके लिए ये फंडामेंटल एजुकेशन दैट आई एम गिविंग, अर्थमेटिक इंक्लूडिंग बिजनेस स्टैट्स, देन प्रॉपर इंग्लिश, प्रॉपर इंग्लिश, आई एम्फेसाइज द वर्ड प्रॉपर, प्रॉपर इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है। उसके पांचों पांचों के पांचों सब जो उसके एस्पेक्ट्स हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड डिबेटिंग, पांचों पांचों आने चाहिए। और वो मैं उसको कंप्रेस करके आई विल, अदरवाइज तो इसमें देखिए इंग्लिश सीखने में मैं बच्चों को भी बताता था, आपने भी देखा होगा, 15-15 साल लग जाते हैं फर्स्ट क्लास से शुरू करके BA कंप्लीट करने तक, के MA तक भी लोग इंग्लिश सीखते हैं, लेकिन इंग्लिश उनको आती नहीं। तो मैं इसको कंप्रेस करके आई विल ट्राई टू टीच यू इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम। इट विल डिपेंड ऑन योर रिस्पॉन्स, आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं एजुकेशन को, उसी के ऊपर होगा। कई कई बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कईयों को जिसका इंटरेस्ट होगा वो सीख जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ। आपको घर में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और अगर आप कहीं और काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो करते रहिए, वो भी, पैसे भी जरूरी हैं। और साथ में ये कीजिए, अगर आप नहीं कर रहे कहीं भी काम, तो इसको मैक्सिमम टाइम मेरे वाली एजुकेशन के ऊपर लगाइए। तो मैं कुछ ऑनलाइन बुक्स वगैरह भी शेयर करूंगा आपके साथ, वो बुक्स भी आप पढ़िए, और जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, क्लास में मैं मैक्सिमम यू कैन से आई विल बी टीचिंग फॉर अबाउट 1 आवर, 1 घंटा एक दिन में लूँगा, और 4-5 दिन हफ्ते में क्लास लगेगी। तो ये ऐसे कीजिए, एंड आई हैव ऑन माई दिस RMN फाउंडेशन वेबसाइट, वहाँ पर मैंने वो ऑनलाइन फॉर्म और फिजिकल प्रिंट फॉर्म दोनों डाले हुए हैं, आप उसमें अप्लाई करके देन यू लेट मी नो इफ़ यू वॉन्ट टू अटेंड दिस ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के वीडियो में मैंने यही बताना था जो लोग इसको, और हाँ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट, जो मैं और भी बहुत काम करता हूँ, जैसे दिल्ली में पोल्यूशन रुकवाने के लिए काम करता हूँ, करप्शन रुकवाने के लिए काम करता हूँ, पढ़ाई की अवेयरनेस, जैसे पेरेंट्स और बच्चों को पता नहीं है कि पढ़ाई किस तरह की होनी चाहिए, जॉब किस तरह की है, वो अवेयरनेस लाने के लिए मैं जब वो स्कूल अपना चलाता था, तो हम गली गली में जाकर नाटक करते थे, प्लेकार्ड्स लेकर खड़े होते थे, पैम्फलेट बांटते थे लोगों को, ताकि उनको पता चले, अदरवाइज लोग भेड़ चाल में आंखें बंद करके वही पढ़ाई अपने बच्चों को करवाते जा रहे हैं, करवाते जा रहे हैं, करवाते जा रहे हैं, जिसका किसी को फायदा नहीं है, आंखें बंद की हुई हैं उन्होंने, दे आर एनिमीज ऑफ देयर ओन चिल्ड्रन। तो हम उसमें मेरी मदद कीजिए एज वॉलंटियर्स, जो लोग पढ़ेंगे या जो नहीं भी पढ़ेंगे, जो इसमें वॉलंटियर्स एज काम करना चाहते हैं एंड हु आर ग्रोन अप, यानी कि 18 साल से ज़्यादा जिनकी एज है, दे कैन ऑल्सो बिकम वॉलंटियर्स विद द एक्टिविटीज दैट आई रन अंडर RMN फाउंडेशन। तो उसमें मेरी मदद कीजिए, मेरे को उसमें ज़रूरत है, मैं अकेला ही अभी काम करता हूँ, अपना भी सारा न्यूज़ का भी काम करता हूँ, और जनता के काम कई करता हूँ मैं, और साथ में ये स्कूल भी चलाऊंगा। तो यू ट्राई टू हेल्प मी एज मच एज पॉसिबल। तो ये आज के वीडियो में मैंने यही बताना था, तो उसमें RMN फाउंडेशन की वेबसाइट पर ये एडमिशन फॉर्म पड़ा हुआ, तो उसको आप इफ़ यू वांट टू अटेंड भर सकते हैं, अगर वॉलंटियर बनना है तो वॉलंटियर का फॉर्म भी वहाँ पर पड़ा हुआ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।